कैसे हो आप? तो आज हम करेंगे क्लास 5th का 13 चैप्टर, चैप्टर नेम स्वामी की दादी। तो शुरू करते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारों की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चद्दरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पर्सन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो बच्चों, इस स्टोरी में हम स्वामी और उसकी दादी के बारे में पढ़ेंगे। जो स्वामी की दादी है वो कहाँ रहती है? बैठक, बैठक मीन्स ड्राइंग रूम, और भोजन कक्ष के बीच में एक गलियारी सी कोठरी है, वहाँ पे अपने सामान के साथ रहती है। उसके सामान में क्या है? 5 दरियें, 3 चद्दरें, 5 तकियों वाला बिस्तर और पर्सन के रेशे का एक बना हुआ बक्सा है। एक उसके पास लकड़ी का बक्सा है जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो ना, उनका बिस्तर बनाया हुआ है और एक लकड़ी का बॉक्स है। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। सुरक्षित मीन्स सेफ। बड़ी प्रशंसा से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तो बच्चों, जो स्वामी है वो अपनी दादी के पास लेटा हुआ है और अपनी दादी को अपने दोस्तों की कहानियाँ सुना रहा है। वो सुना रहा है कि पहले राजम और मणि की दुश्मनी थी और फिर उनकी दोस्ती हो गई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला। सच, उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अध्यक्ष हैं। पुलिस अध्यक्ष मीन्स पुलिस ऑफिसर। वह जहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। प्रभावित मीन्स इम्प्रेस। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मैजिस्ट्रेट थे। सब मैजिस्ट्रेट मीन्स जज, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कामते हुए खड़े रहते थे। उनसे डर कर खूंखार से खूंखार डाकू तथा तक बाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी ख़त्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमट करती हुई। तो बच्चों, वो दोनों लेट कर बातें कर रहे हैं और जो स्वामी है वो अपनी दादी को बता रहा है कि जो राजा है उसके पापा बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हैं, और उसकी दादी उसको बता रही है कि जो उसके दादाजी थे वो एक जज थे और उनसे तो पुलिस वाले भी मीन्स की डरते थे, और भी उनके साथ लेटर अपने हस्बैंड अपने मीन्स की स्वामी के दादाजी के बारे में बहुत सारी बातें बता रही थी। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तो जैसे दादी बातें सुना रही थी दादाजी की, तो स्वामी ने कहा कि दादी अब बस कर जाओ, अब मैं तुझे राजम की बातें सुनाता हूँ। तो वो कहता है कि आपको पता है कि जो राजम है उसके मैथमेटिक्स में कितने नंबर हैं? सारे नंबर मिले होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि प्रेक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वह दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह इतनी मामूली सी चूड़ियाँ के मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख नहीं है। तो बच्चों, इसमें जो राजम है वो अपनी दादी को बता रहा है कि जो स्वामी अपनी दादी को बता रहा है कि राजम के 100 में से 90
नंबर मिले हैं। तो दादी उसको उसके दादाजी के बारे में बताती है कि वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे, वो जैसा भी आंसर लिखते थे तो उसके जो टीचर होते थे उनको 100 में से कभी कभी 200 मार्क्स भी दे देते थे। तो उन्होंने कहा कि वो उनको एक बार मेडल भी मिला था, तो वो मेडल को काफ़ी देर तक उन्होंने अपने गले में पहना ही रखा था और बाद में उन्होंने वही मेडल स्वामी की बुआ जी को दे दिया था। लेकिन बुआ जी ने क्या किया, उस मेडल को तुड़वाकर चूड़ियाँ बनवा ली। और साथ में ही दादी कहती हैं कि उसके जैसी मूर्ख मैंने कभी नहीं देखी है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो, क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो दादी। जब राजम छोटा लड़का था तो उसने शेर मारा था, सच बड़ा बहादुर लड़का है। जब दादी स्वामी को बातें बता रही थी तो स्वामी ने बोला कि अब तुम ये कहानियाँ बस करो, और साथ में बताना शुरू कर देता है कि आपको पता है कि जब राजम छोटा था तो उसने एक शेर को मारा था। तो दादी कहती है कि सच में राजम बहुत ही बहादुर लड़का है। तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे, राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और जंगल और एक के पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया और दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वह वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी क्या तुम सो गई, उसने कहानी ख़त्म होने पर पूछा। नहीं बेटा सुन रही हूँ। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? दो शेर राजम पर जटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा, मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम राजम को पसंद नहीं करती हो। तो बच्चों जो स्वामी है वो अपनी दादी को राजम की बातें बता रहा है कि एक बार उसने शेर को मारा था। वो बताता है कि एक बार वो जंगल में डेरा डाले हुए थे, उसके पिताजी उसके साथ थे और दो शेर आए, एक ने उनके पिताजी पर हमला कर दिया और दूसरे शेर ने राजम का पीछा करना शुरू कर दिया और राजम ने झाड़ियों के पीछे छिप कर उस शेर को गोली मार दी। तो वो अपनी दादी को बोलता है कि दादी कहानी सुन रही हो? तो उसकी दादी तो सो गई होती है, तो वो ऐसे ही बोलती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ। तो जो स्वामी होता है वो पूछता है कि दादी कितने शेर ने राजम के ऊपर हमला किया? तो दादी ने झूठ बोल दिया कि दो शेरों ने किया। तो वो दादी को गुस्सा करना शुरू कर देता है कि तुम नींद में ही कुछ भी जवाब दिए जा रही हो। स्वामीनाथन दादी की गलत स्वाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा, मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं वह तो बड़ा प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में ये भी संदेह पैदा हुआ, दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसकी चेतावनी के तौर पर जोड़ा जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसी गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरीश चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनी थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो बच्चों जब स्वामीनाथन अपनी दादी को कहानी सुना था राजम की, तो दादी ने बाद में उसको हरीश चंद्र की कहानी सुनानी शुरू कर दी और सुनाते सुनाते जो स्वामी था वो सो गया और कुछ देर बाद उसकी दादी भी सो गई। तो बच्चों ये स्टोरी लिखी है आर के नारायण ने। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।